स्वागत है आपका ईटी ईटीना स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और इस शो में हम आपको बताएंगे सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति होनी चाहिए चाहिए और आज के लिए अहम खबरें कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन है ये तमाम चीजें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से और काफी शानदार इस वक्त ओपनिंग देखने को मिल रही है एक्सजी देखिए अठारह हजार नौ सौ के पार इस वक्त दिखाई दे रहा है एक्सजी निफ्टी करीब सत्तर अंक ऊपर शानदार मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है वही हॉगकॉन्ग के बाजार में करीब दो परसेंट की मजबूती है कॉस्पी निकाय शांघाई सभी अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे तो इस बात एक्सजेक्स निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो काफी मजबूत हैं और कल हमने देखा कि फेड के दिसंबर में जो ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी का बयान है अंडर रुख की बात की जा रही है उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में कल शानदार मोमेंटम देखने को मिला एक बार समझ लेते हैं विदेशी संकेतों को और विस्तार से कि किस तरह के क्यूज इस वक्त मिल रहे हैं और उसके बाद भारतीय बाजारों पर भी बात करेंगे और सही कहा आपने आप जरूर के बयान पर सभी की नजर थी और कल ही से हम आपको बता रहे थे की ये कमेंट्स जो निकल कर आएंगे इसके बाद बाजार की दशा और दिशा तय हो सकती है लगातार तीन ट्रेडिंग सेशन से जो कंसर्न कमजोरी नजर आ रही थी वो कमजोरी छटती हुई नजर आई और हमने देखा था कल जब ग्लो, ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात भी कर रहे थे डाउ ने भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई थी लेकिन नेस्डेक और एस में कमजोरी थी जब कल सुबह ग्लोबल सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे थे आज सुबह जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आई है और इसकी वजह यह है

सप्लाई से कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी नजर आ रही है हमने देखा क्रूड करीब छियासी डॉलर के ऊपर है तो कल से ही क्रूड में रिकवरी का मोड जो है वो जारी है इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स में इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे फेड चेयरमैन के बयान के बाद यूएस टेन बताया अच्छी मजबूती नजर आई डॉलर जाता हुआ नजर आया है और चीन में रिकवरी और डॉलर में कमजोरी साथ ही सप्लाई में कमी से हम देख रहे हैं कि एनर्जी पैक पर एक इंपैक्ट पड़ता हुआ तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफी बेहतर होते हुए विदेशी बाजार से एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत और अमेरिकी बाजार में कल हमने अच्छी खासी क्लोजिंग देखी बिल्कुल तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ओवरऑल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मार्केट के लिए और अब आगे फेड की बैठक जो होगी उस पर हमारी नजर रहेगी फिलहाल काफ़ी जो आ, फैसला निकल कर आ सकता है वो कहीं ना कहीं उसका अनुमान लगाया जा चुका है भारतीय बाज़ारों के लिए भी और अब देखिए यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद भी हम कर रहे हैं मानसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजार में क्या करके चले एफ आई की तरफ से देखें तो कैश मार्केट में करीब नौ हजार दस करोड़ की तो आंकड़ा अच्छा है. है. है इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालेंगे तो ग्यारह करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है इंडेक्स ऑप्शन में भी दो करोड़ की खरीदारी एफआई इंडेक्स ऑप्शन में भी करके गए हैं तो ये कुछ निवेशकों के आंकड़े और यहां से भी जो क्यूज हैं वो बेहतर ही नजर आ रहे हैं